भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा वात्सल्य स्कूल में स्थापित की गई थी। डोल ग्यारस के मौके पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। आज सुबह महाआरती के साथ बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ विदा किया गया। स्कूल की संचालिका देवना अरोड़ा ने बताया कि विदिशा जिले में बाढ़ और अति बारिश से पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जिसमें बप्पा से बारिश को रोकने की प्रार्थना की गई थी। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और कई अन्य घर बारिश की वजह से बर्बाद होने से बच गए। वहीं स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन के साथ हम बच्चों में शैक्षणिक को सिखाने के साथ साथ धार्मिक गुण भी सिखा रहे हैं। स्कूल से निकलकर भव्य चल समारोह के रूप में रथ पर भगवान गणेश को बिठाकर उन्हें बेतवा नदी की ओर ले जाया गया, जहां उनका विसर्जन किया गया। इस दौरान स्कूल के लगभग सभी विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सभी विद्यार्थी अनुशासन में और कतारबद्ध होकर इसमें शामिल हुए। जैसे हमारे गणपति आए थे खुशियों के साथ नाचते झूमते, आज वैसे ही उनका विदाई समारोह है। और इन 6 दिनों में हम सब बच्चों ने, स्टाफ ने प्रार्थना करी कि विदिशा के आसपास हमारे कहीं और विदिशा ज़िले में पानी की वर्षा जोरदार ना हो, जिससे हमारे बाकी बहन भाइयों के घर ना उजड़े। इस प्रार्थना को 3000 बच्चों की और 250 शिक्षकों की प्रार्थना गणपति ने सुनी। उसके लिए गणपति बप्पा को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और इसके साथ साथ गणपति बप्पा हमारे यहाँ आए हैं। खुशी और उल्लास उमंग का ये त्यौहार हम लोग हर साल मना रहे हैं और हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चों में सांस्कृतिक और हमारी परंपरा को जो है हम लोग आगे की ओर ले जाएं। हमारी भारतीय परंपरा है और तिलक जी ने जो महाराष्ट्र से ये परंपरा शुरू की थी, तो उसी परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष वात्सल्य विद्यालय में ये गणपति उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव के दौरान जो है देशभक्ति से रिलेटेड या सांस्कृतिक प्रोग्राम और भगवान के जो ईश्वर का स्मरण है उससे रिलेटेड सारे कल्चर प्रोग्राम लोग इसमें करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे टीचर सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस परंपरा को और आगे ले जाने के लिए और पूरे भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम लोग ने ये परंपरा शुरू की है। और कोशिश यही रहती है कि ये परंपरा हमारी जो है वो आगे भी रहे, चलती रहे, इसीलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं। विदिशा से आशीष चौधरी की रिपोर्ट।